मतलब कि जिस होटल में चेक इन किया है आपको रिवील करते हैं बस, क्योंकि आप ये देखो भाई साहब आज ना बड़ी ही खूबसूरत जगह जा रहे हैं, बड़ी अच्छी जगह जा रहे हैं और अपनी वाइफ को थोड़ा सा सरप्राइज है, तो हल्का बहुत उसको हिंट तो है ही है कि कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि उसका कल बर्थडे था तो वो हमने मनाया अच्छे से, लेकिन सरप्राइज अभी बाकी है देना। तो अभी हम एक अच्छी जगह जा रहे हैं, सब गाड़ी में बैठ गए, हमने अपने बच्चों बच्चों को ले लिया है उसे तैयार करके, हम भी तैयार दिख ही रहे होंगे, पीछे हमारा शैतान बैठा हुआ है और इस बार एक मिडिल क्लास फैमिली वाला बंदा इतनी अच्छी जगह पर खुद के पैसे खर्च होकर जा रहा है तो कितनी खुशी होगी सोच सकते हैं। तो अभी दिखाते हैं हम जा कर रहे हैं। चलो हाँ, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू मल्होत्रा ब्लॉग्स, आप सभी का स्वागत है मल्होत्रा ब्लॉग जी। ये पापा का मगरमच्छ है, ये पापा की परी, मम्मी का मगरमच्छ है, मम्मी का मगरमच्छ होता है, पापा की परी होता है। देख रहे हो आजकल के बच्चों को सब पता है, बड़े भूल जाते हैं लेकिन बच्चों को सब पता है। एक भाई साहब ना दिल्ली में कूड़ेदान है बुराड़ी के पास, जब आप बॉर्डर पर जाते हो ना कुंडली से पहले, और एक ना दिल्ली से फरीदाबाद से यहाँ जाओगे गुड़गांव या गुड़गांव से फरीदाबाद, तो ये पड़ेगा सामने, ये देखो ये वो बात भी बता दो जो मैंने कहा। और ये बोलो तो ये होटल इसी के ऊपर है क्या? तो हमने अपनी वाइफ के लिए भैया एक फाइव स्टार होटल बुक करा, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात होती है अपने पैसे देना, ऑफिस से जाते हैं बहुत बचाते हैं, बट अपने पैसे बुक करते तो थोड़ा अच्छा लगता है। कैसे लग रहे हैं सरप्राइज? पापा जी चलो चलते हैं, आपको चले हाँ। रूम मिल गया, रूम नंबर हमारा है 406, ये रहा। तो चलो चलते हैं, लगेज अपने आप रूम में आ जाएगा। एंटर कर चुके हैं और ये रूम में घुसते ही लेफ्ट साइड पे हो जकूजी वगैरह सब कुछ दे रखा है। देख लो रूम क्या क्लासी है भाई, और सामने मैं ही दिख रहा हूँ, मैं थोड़ी शर्ट नीचे कर लेता हूँ, और ये थोड़ा सा यहाँ पे कपड़े वपड़े और अलमीरा भी दे रखी है यहाँ पे, आप कट कर कुछ भी पासवर्ड डाल के कर लो। और ये देखिए, और ये फाइनली ये रूम, हो बड़ा सा टी वी वगैरह में अच्छी सी पानी की बोतल, और यहाँ देखें ये देखें चेक करें, वानी का पहला होटल ट्रिप है, पहला ही ट्रिप है, वो भी होटल में, भी फाइव स्टार होटल में, आप समझ लीजिए क्या एक्सपीरियंस है इसका, लग देख रहे कितना बढ़िया है। और यहाँ बाहर खोलने से पहले मैं गेट बंद करवा लेता हूँ, और इसके बाहर ना हमने बालकनी वाला एक्सटेंड करवा लिया, उन्होंने बोला था कि बालकनी वाला के साथ बच्चे हैं तो आपको शाम को बैठ के मजा आएगा बाहर, तो हमें लगा कि फ्रंट मिल जाए, तो फ्रंट सारे ऑक्यूपाइड थे, जो आपके सामने मतलब क्या बोलते हैं उसको सूरज कुंड जो मेरा लगता है इसके सामने जब कोई लगता है पूरा फॉरेस्ट एरिया, थोड़े थोड़े माउंटेन है, छोटे छोटे माउंटेन है, क्योंकि पठार बोलते हैं अरावली हिल्स है जो वो देखते पूरा ग्रीन है, अगर बारिश हो जाए तो मजा आ जाता, बट अभी हमें मिला लेफ्ट अलग, ये रेस्ट खुल रहा है अब। यहाँ से ये व्यू देखें, चेक करें आप, यहाँ से ये पीछे का होटल आ जाता है, ये मुझे नहीं पता कौन सा होटल है, ये पिनाकल है शायद पिनाकल ही है ये वाला, हाँ ये उसी का एंट्रेंस है, और ये देखो पूरा कवर्ड है हमारे बगल वाली बालकनी, और वो देखें सूरज को, बटन ने कुछ ढूंढा, दिखाओ भाई, छोटा फ्रिज रखा हुआ है, देखो इसके अंदर कुछ है, पानी ड्रिंक बोतल रखी है, नहीं खाली पड़ी है, ठीक है बंद कर, यहाँ देखिए यहाँ केटली और चाय रखी है, यहाँ पर वो रखी है कि नहीं, और चाय बना के पी सकते हैं, पाउडर मिल्क रखा है, मिल्क पाउडर रखा है, चाय पत्ती रखी है, और यहाँ हमारे पीछे कॉफी का वो भी रखा है, रूम बहुत सुंदर है, सेंट्रलाइज एसी है हमारे घर है, टेम्परेचर है बेटा सेट कर सकते हैं यहाँ पे, और टेम्परेचर के लिए रिमोट अलग से नहीं, यहाँ पे सेट कर सकते हैं, सेंट्रलाइज है तो आपको अच्छा लगता है यहाँ पर। देखो जो मिडिल क्लास फैमिली होती है ना वो कहीं जाती है ना तो अपने खाने पीने का थोड़ा बहुत जुगाड़ लग जाता है, हम तो बनाना चिप्स लेके आया, और हमें नहीं पता था कि एक्चुअली मुझे लगा था मेरा हमारा लंच भी इंक्लूड है, बट मैंने ध्यान से पढ़ा, अरे नहीं नहीं वो तो ऑब्लिक डल, तो मतलब कि लंच या डिनर में से एक चीज ले सकते हो, तो हम डिनर ले रहे हैं,
और ये देखो हम चाइना से लेके आए हैं। और इसका सबसे बड़ी चीज़ आप जब आते हो किसी फाइव स्टार होटल में जाते हो तो सबसे पहले मेन्यू चेक करते हो ये खाने के लिए क्या भाई, ये इसका मेन्यू है, ये मेन्यू है और इसका प्राइस देखो इसने बोला था मुझे बर्थडे पे अच्छी करे जो ना मज़ा आ जाता है, मैंने इनको सरप्राइज दिया अब ये बहुत खुश है। अभी मैं दिखा सकता क्योंकि हमारी बेबी पी रही है मिल्क तो इसलिए बेबी बेबी पी रही है बोल रहा है मैंने बीबी बीबी थोड़ी ना पी रही है बीबी कहाँ से पी रही है अलग ही लेवल का देख रहा। तो ये है भाई साहब इनका मेन्यू बहुत बड़ा था, मैंने थोड़ा बहुत दिखाया आपको जल्दीबाजी में जो भी दिखा तो इतना बड़ा मेन्यू है। और अभी कुछ मंगाते लेकिन पहले हम बनाना चिप्स खा लेते हैं। सबसे बढ़िया बात है भाई साहब हमने ना ऑर्डर कर दिया, हमने क्या ऑर्डर किया, हमने ऑर्डर किया है ये है दाल मखनी, ये रही दाल मखनी ठीक है जी। और ये किया बटर नान, ये देखिए बटर नान ठीक है। और एक हमने किया है वेजिटेबल नूडल्स, ये देखो ये। तो ये सब इनके प्राइस साथ में लिखे हुए हैं। ये किया है खाना में आ गया, खाना देखो ना बढ़िया तरीके से सर्व किया जाएगा देखो। ये है नान और ये है नूडल्स, ये यश के नूडल्स आ गए हैं और ये आ गया है दाल मखनी और सिरका विरका आ गया साथ में, सब प्लेट चम्मच फोक सब साथ में, अचार भी दे गए। ये देखो ये हमारे पुत्र बीच में जरूर बोलेंगे ब्लॉग के, इनको हम लाए इसीलिए यहाँ पे ठीक है जी। हमने ना खाना शुरू कर दिया था, इन दोनों ने खा लिया तो ये वाला मतलब मेरे नूडल्स ख़त्म हो गए और अच्छे हैं नूडल्स। थोड़ा सा बाकी है बढ़िया गए सो ये तो वो गई है सो हम लोग क्योंकि तो देख रहे हैं पीछे चल रही है और इसने अपना खाना नूडल्स खा लिए और अभी आई है दाल मखनी सिमरिया मशरूम दाल मखनी, ये देखो मुझे नान लगता है मैंने ज़्यादा मंगा लिया क्योंकि एक पैकेट में ही एक नान है तो चार नान मंगाया, मुझे लगता नहीं हम दो भी खा पाएंगे। सबसे बड़ी बात है जो दाल मखनी हमने है ना परसों खाई थी क्योंकि अभी वो ब्लॉग डला नहीं है डल जाएगा लेकिन आप देख लोगे इससे पहले, तो हम वो प्लेन वाले रेस्टोरेंट में गए थे वहाँ दाल मखनी बहुत बढ़िया थी। इस देखो कपड़े पर चेंज हो गए